एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में। इसका नाम है स्टडी आईएएस। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे किसी भी एग्जाम में। तो मेजर रिपोर्ट्स को कवर करते हैं आज के टॉपिक में। तो आपके सामने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज उनके रिपोर्ट्स के नेम स्क्रीन पे आ रहे हैं, उनको देखते हैं। पहले बात करते हैं लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट, जो कि पब्लिश करती है यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप, जो हमारी यूएनसीटीएडी है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वो जो रिपोर्ट पब्लिश करती है वो उसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। जो हमारी यूनेप है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो मेजरली टू रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी एज वेल एज ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी किसमें चाहिए हमें, हमारे देश में, तो करप्शन से ट्रांसपेरेंसी घटती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। जो हमारी यूनेप है और इंटरपोल के साथ एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम। आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमारी यूनेस्को है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। जो हमारी यूएनएफपीए है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, वो रिपोर्ट पब्लिश करती है पॉपुलेशन के ऊपर, दैट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। यूएन हैबिटेट जो है, वो हैबिटेट मतलब सिटीज, तो वो रिपोर्ट जो पब्लिश करेगी उसका नाम है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं यूएनओडीसी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये मेजर तीन रिपोर्ट पब्लिश करेगी जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट एंड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्संस। तो ये तीनों रिपोर्ट ये यूएनओडीसी पब्लिश करती है। आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, क्योंकि इस ये हमारे आज के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसी का जो फर्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा ये पब्लिश करती है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, एंड ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। इसके अलावा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करती है। आगे देखते हैं जो हमारी UNISDR है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो डिजास्टर से रिलेटेड है, तो ये ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट देती है उन कंट्रीज के बारे में कि वो कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में अपना काम कर रहे हैं। UNIDO पे आते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसके नाम में ही आ रहा है, तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश करेगी उसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। आते हैं हमारी यूनिसेफ पे, दैट इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। तो ये चिल्ड्रन बच्चों से रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश करती है, दैट इज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, एज वेल एज ये रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज भी पब्लिश करती है। आते हैं UNHCR पे, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये जो रिपोर्ट पब्लिश करती है वो है, उसका नाम है द ग्लोबल रिपोर्ट। लास्ट पे आते हैं UNICRI, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश करता है उसका नाम है रिपोर्ट ऑन काउंटरफीटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो क्राइम रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश करता है UNICRI। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पे। तो ये इस बारी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मेजरली दो रिपोर्ट पब्लिश करेगी, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एंड साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक। तो जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं ओपेक पे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, तो ये ऑयल से रिलेटेड कंट्रीज हैं, तो ये बेसिकली जो दोनों रिपोर्ट हैं ये ऑयल से रिलेट करती हैं, दैट इज ओपेक मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड ऑयल आउटलुक।
लास्ट पे आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस बन सकता है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है वो है SDSN, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पे, दैट इज IAEA। तो ये मेजरली दो रिपोर्ट पब्लिश करती है, टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू। आगे IMF पे आते हैं, इसकी दोनों रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन के लिए, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर हम लोग पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आने का चांस कभी भी बन सकता है। और जो हमारा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, दैट इज BIS, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। ओके, FATF पे आते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उसका नाम है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उसका नाम है द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो द एनर्जी रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एनर्जी से रिलेट करता है। और लोग सोच सकते हैं कि एनर्जी तो कहीं OPEC कंट्री नहीं करती हो, या जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो ना पब्लिश करती हो, तो द एनर्जी रिपोर्ट आपको याद रखनी है। लास्ट करते हैं वीपो पे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट पब्लिश करती है। आते हैं हमारे वर्ल्ड बैंक पे, तो वर्ल्ड बैंक दो मेजर रिपोर्ट पब्लिश करती है, वन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, तो ये हमें याद होना चाहिए। आते हैं ICAO पे, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेफ्टी रिपोर्ट्स करती है कि एविएशन सेक्टर में कैसी कैसी सेफ्टी चल रही है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फूड से रिलेटेड है, तो आप याद रख सकते हो कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करती है। लास्ट आते हैं जो हमारी वीपो है, वो एक और रिपोर्ट पब्लिश करती है, वो उसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्योंकि इनोवेशन इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये ऐसे याद करने का तरीका हो सकता है। आते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे, ये कुछ मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश करती है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, दैट आर वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो ये ऐसे रिलेशन ले सकते हैं कि लेबर है तो वेज होगा, वर्क होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, और उनके लिए प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, तो इस सब की रिपोर्ट ILO पब्लिश करता है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, इट वाज प्रेजेंटेड बाय मी एंड माय नेम इज रिटन ऑन द स्क्रीन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू हिट द लाइक बटन, और हमारे डेली अपडेट्स पाने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें।